हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ समीर, आपका दोस्त और होस्ट, और ये है थर्ड वीडियो रियल एस्टेट की सीरीज़ में, जिसमें हम आपको नॉलेज दे रहे हैं रियल एस्टेट के बिज़नेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियोस में हमने आपको बताया था कि आप किस तरीके से नाम रखें, कौन से बिज़नेस को उसमें सिलेक्टिव बने, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो दोनों भी देख लीजिए। थर्ड वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि आपको एक रियल एस्टेट बिज़नेस शुरू करने के लिए कुछ लाइसेंसेस और कुछ रजिस्ट्रेशंस करवाने पड़ेंगे, तो वो कैसे करवाएं, क्या करवाएं, कैसे अपने पैसे बचाएं। एक रियल एस्टेट में इंसान बिज़नेस में तभी जा रहा है जब वो बेचारे के पास में ज़्यादा पैसे नहीं हैं और ज़्यादा कोई अच्छी आइडिया भी नहीं है, क्योंकि ये सबसे सिंपल बिज़नेस है जो बेचने वाले और ख़रीदने वाले को मिलाता है, या भाड़े पे देने वाले और भाड़े पे लेने वाले को मिलाने का काम है। इसको अगर आप एक तरीके से समाज सेवा ही समझ के करें तो भी ये बहुत बड़ी बात होगी कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं। अब जो बात आती है रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो इसमें कैसा है पता है कि दुनिया में जो लोग अच्छा काम करते हैं ना, उनको सबसे पहले टारगेट किया जाता है। जैसे आप अगर अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको टारगेट किया जा सकता है। जैसे कि आपने समझो लीव एंड लाइसेंस का काम किया, किसी को रेंट पे दिलवा दिया फ्लैट, लेकिन कल को वो आदमी चोर निकला या कोई गुंडा निकला या उसने रूम खाली नहीं किया या मकान मालिक को रेंट टाइम पे नहीं दिया, तो आप पकड़े जाओगे। आप पकड़े जाओगे मतलब आपसे पूछानी होगी कि आपको वो पर्सन कहाँ से मिला, तो हो सकता है पुलिस स्टेशन भी जाना पड़े। बिज़नेस में जब प्रॉफिट होता है तो रिस्क भी होते हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद अपने आप का बचाव पहले से सोच के रखें। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का, अगर आप किसी शहर में हो तो आपको चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट घुमास्ता लाइसेंस। अगर आप शहर में नहीं हो या इस उस जगह पर हो जहाँ पे घुमास्ता लाइसेंस मिल नहीं पा रहा है या मिलना आसान नहीं है, तो आप ले सकते हो उद्योग आधार। ये दोनों में से एक चीज़ लेना इम्पॉर्टेंट है, चाहे तो दोनों भी ले सकते हो। अगर आपको ये लेना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप जहाँ कहीं भी हो मैं आपकी मदद करूँगा और ये लाइसेंसेस आपको दिलवा दूँगा एकदम सस्ते दामों में और एकदम रीज़नेबल दामों में और सिर्फ 24 घंटों में। तो ये आपकी परेशानी का हल मेरे पास है कि रजिस्ट्रेशन आप करवा लिए जिससे आपका काम हो गया। अब इसके अलावा कुछ एरियाज़ में ऐसे होता है कि आप देखेंगे एस्टेट एजेंट्स के एसोसिएशन होते हैं, तो अगर आप मुझसे ये पूछो कि भाई ये एसोसिएशंस में रजिस्टर करना शामिल होना ज़रूरी है या नहीं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसमें रजिस्टर करना या शामिल होना कंपलसरी नहीं है। फ़िलहाल अगर आप एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है कि आप उनके अंदर रजिस्टर करो, क्योंकि उनके अंदर रजिस्टर करने में आपको काफ़ी पैसे देने पड़ सकते। काफ़ी पैसे से मेरा मतलब है कि आप अगर उनके एसोसिएशन के सदस्य बनना चाहते हो तो आपको हो सकता है 5,000 से 10,000 रुपये देने पड़े। आप एक न्यू बिज़नेसमैन हो, आपके पास इस वक्त पैसे की कमी है और आपके पास में काम बहुत ज़्यादा है, तो आप गवर्नमेंट के बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा के रख लो, जैसे घुमास्ता लाइसेंस और उद्योग आधार, तो जिससे आपका काम हो जाए। अगर आप बिल्डरों से टाई अप कर रहे हो जो न्यू प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, तो आपको GST और RERA भी करवाना पड़ेगा। अब GST रजिस्ट्रेशन भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, RERA भी आपको रजिस्टर करवाने में हेल्प कर दूंगा, लेकिन GST के बारे में जो है वो बहुत सिंपल है। आपको GST, घुमास्ता, उद्योग आधार, इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं अभी बताता हूँ। आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट, बस ये डॉक्यूमेंट्स पे आपको मिल जाएगा। अब RERA के बारे में मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरा फोर्थ वीडियो रहेगा रियल एस्टेट बिज़नेस के बारे में, आप इसको ज़रूर देखिए ताकि आपको ये पता चले कि RERA क्या आपको लेना ज़रूरी है या नहीं है, और अगर है तो कैसा लिया जाए, कितना पैसा लगता है, कितना खर्च होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स के ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हो, क्यूरीज पूछ सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो और सीखने को आपको मिल सकता है। इतनी बात ये बता दूँ कि इन ग्रुप्स के अंदर जो है वो सब लोग सीखने वाले, कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो हम एक दूसरे का जो सहारा बन के मदद करेंगे और ताकि हमको अच्छा बिज़नेस मिल सके और हम कामयाब हो सकें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो, और
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।